हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी सबसे पहले, बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं, मैं उनसे पहले उठ चुका हूँ, नहा धो लिया हूँ। अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ घर पे, मम्मी का कॉल आया है, आज है गणगौर, तो हैप्पी गणगौर आप सभी को। जयपुर के अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से गणगौर सेलिब्रेट की जाती है, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर आई थिंक कोई जगह आ गई, ऐसी जगह आ गई है। और साथ ही आज है ईद भी, तो आप सभी को ईद मुबारक। तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, जाते जाते रास्ते में जो हमारा घर का काम कर रहे हैं तारिक जी, उन्होंने भी मुझे इन्वाइट करा है, तो उनसे मिलता हुआ जाऊँगा, फिर घर जाऊंगा, फिर गणगौर पूजन होगी, मम्मी की ढोक दूंगा, उसके बाद मैं जूही दीदी के पास जाऊंगा। सुना लिया? सुनाओ। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मम्मी का कॉल आ गया था, सुन गया। क्यों? गणगौर पूजन है, वो बोली कि आ। मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। बोले कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे को आके देख तो ले, मैं आता हूँ। भाई साहब, घर के यहाँ पर चप्पलों की लाइनें देखो, कितने सारे लोग हैं घर के अंदर, अब इतने सारे लोगों के सामने मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगा। लेट्स सी, हिम्मत करता हूँ, शर्म आती है मुझे। आप सब बहुत सुंदर लग रहे हो। सबके ढोक ले लो तू। हाँ मैं ढोक दे लेता हूँ सबको। तो फिर ये कैमरा मुझे ऐसे सबकी ढोक देना है, ऐसे इकट्ठे एक साथ नहीं होते। मम्मी की तरफ से पार्टी मिल रही सबको। मम्मी आज से पहले तो करा नहीं आपने? आज आज है क्या, आज पार्टी किस बात की है? आज गणगौर का उद्यापन है। अच्छा, तो एक ही बार होता है बस? हाँ, एक बार ही होता है। हाँ, मेरी शादी करा दो पहले। और कहीं हो गया आपका बिंदोरा? हाँ बेटा, हो गया हमारा तो। ये एक बार में एक जना एक बार हमेशा करता है ऐसा? हाँ, सबको उद्यापन करना होता है, गणगौर पूजते हैं ना, तो हर किसी को उद्यापन करना पड़ता है एक बार ही। ऐसे जैसे मैंने किया ना, ऐसे हर कोई करता। आपने सबको क्या क्या दिया? खाना दिया? और मैंने खाना दिया, लोटा दिया और साड़ी दी सबको। मतलब कुछ खिलाते हैं और कुछ खाना देते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। लोग भी करते हैं ना, सबके सब करते हैं, जो भी गणगौर की पूजा करते हैं वो सब उद्यापन करते हैं। सब उद्यापन करते हैं, जो गणगौर पूजते हैं वो सब करते हैं। ओके गाइस, तो जो कुंवारी लड़की गणगौर पूजती है, वो कुंवारी लड़की सूरज जी का उद्यापन करके फिर शादी के बाद में फिर है ना, ऐसे जैसे मैंने उद्यापन करा है ऐसे उद्यापन करती है हर वो लड़की। तो मतलब गणगौर जो भी पूजा करती हैं औरतें, वो ऐसे उद्यापन करती है जिसमें लेडीजों का आसपास के सबको बुला के उनको नहीं, 16 औरतों को। अच्छा, 16 औरतों को, 16 औरतों को खिलाते हैं। ओके गाइस, हैप्पी गणगौर, ईद मुबारक। हेलो, ईद मुबारक। चलो गाइस, जूही दीदी के पास जाकर आया जाए, उसके बाद फ्लैट जाना है क्योंकि काम वगैरह भी करना है। लेट्स गो। वेलकम वेलकम वेलकम, ईद मुबारक आपको भी, ईद की बधाई बहुत बहुत। हमारे लिए सेवैयाँ आ चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दूसरा डब्बा सेवैयों का, तीसरा। ये तो आंटी का है। अच्छा ओके, ये आंटी के। अच्छा, अलग अलग लाए हो सबके लिए? अरे भाई, आपके लिए तो आप अलग रह रहे हो अभी। अच्छा, हम फ्लैट लेके जाएंगे। फ्लैट लेके जाएंगे, ये सही कराया आपने। थैंक यू थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। हमारे ये तीसरा पैक आया है, डब्बा है हमारे, क्या सामने सब जगहों से आता है। हाँ, तो ये तीसरा आपका तीसरा पैकेट आ गया। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मेरे लिए पहले से तैयारियां हो रखी हैं यहाँ पर। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक दी। तो दोस्तों, अभी आया हूँ दिव्यांशु को लेने के लिए। एक तो ये इतनी चंट हो गई है ना, ये कभी भी मुझे तुरंत कॉल कर देती भैया लेने आ जाओ। अब किस्मत से मैं बाहर था तो मैं फिर लेने भी आ गया इसको। ये बोल रही थी भैया मैं कल फ्लैट आऊंगी। अब फ्लैट आऊंगी मतलब इसको कोई लेने आओ, तीन दिन से बोल रही है कि आऊंगी आऊंगी आऊंगी, लेकिन आएगी जब जब कोई इसको लेने के लिए आएगा। अब मुझे आना ही पड़ेगा इसको लेने के लिए। प्लीज प्लीज कर देगी फोन के ऊपर, फिर मना भी कैसे करें। आज अंदर क्लास लगूंगा देखो, और आईडी कार्ड छोड़ जाएगी यहाँ पे, फिर सबको बोलते रहे कि भैया वो कार्ड चेक करना, वो चेक करना, वो चेक करना। आ गई हीरोइन तू, ज्यादा स्मार्ट बन रही थी तू। आगे करो ऐसे, वो बचपन से है ना, मेरे को बचपन में डॉक्टर ने पैदा होते ही बोला था आपके स्मार्ट हुआ है। स्मार्ट हुआ है, डबल स्मार्ट हुआ है। इतना झोला लेके, इतना सामान लेके क्या करने जाती है भाई तू? हाँ, 11-11 बजे तक पता नहीं कहाँ प्रोजेक्ट शूट कर रही है, बता दो अभी। हाँ, फोन वोन लगना ही बंद हो गया, ऐसी जगह चली गई पता नहीं, बच गई उस दिन तो बेटा, तू मार खाती सबसे ही। परसों की बात है, बोला आ रही हूँ फ्लैट आ रही हूँ, फिर गायब हो गई। नहीं नहीं, रात को 11 बजे तक पता ही नहीं कहाँ थी, शूट कर रही थी। और मम्मी को पता था कहाँ हूँ, मतलब बस फोन नहीं लग रहा था, फोन नहीं उठा पा रही थी तू, है ना। फोन आउट ऑफ रीच आया था सबका, मैं क्या करूँ। सही बात है, सही बात है, सबका आ रहा था, इसका नहीं आ रहा था। बेल्ट लगा ले जल्दी से। अरे सबका आ रहा था, मतलब सब कर रहे थे, मेरा ही आउट ऑफ रीच आ रहा था ना। चल चलो बैरिकेड हटा, बनाऊं क्या अभी। गाइस, बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है यहाँ पर। ये मेरा शीशा पता नहीं कैसे चटक गया धूप में खड़ी खड़ी गाड़ी का। मैं घर पे था, बाहर गाड़ी खड़ी थी और जस्ट गाड़ी के पास आया हूँ और ये चटक गया।
एक सेकंड पार कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो देखो गेट भी खुलवाया आज तो मैंने इससे, अभी मेरे सर की मसाज करेगी, सर दर्द हो रहा है मेरा। एक तो पहले धूप में सर दर्द, धूप मेरे को पसंद नहीं वैसे ही, ऊपर से अरे मेरा कांच और चटक गया धूप की वजह से यार, क्योंकि यार मुझे वहाँ गाड़ी बाहर खड़ी करी थी, मैं जूही दीदी के पास जाकर आया था और मैं कार में बैठा हूँ और मैंने देखा यार ये चटक गया एकदम से, और उसमें ऐसा कुछ भी लग रहा था, आपको बाहर से दिखाता हूँ। तू तेरा सामान निकालती रहे, देखो गेट कहाँ तक खोला है, बगल वाली गाड़ी में अड़ गया। देखो भाई यहाँ से चटकते हुए यहाँ तक आ गया, अब ऐसे यहाँ पर कुछ किसी ने मारा भी होता तो पता चल जाता कि हल्का फुल्का कुछ और निशान भी होता है, यहाँ से एकदम कॉर्नर से चटका है और वहाँ बीच तक चटक गया, और मुझे इसका पता करवाना पड़ेगा कि भाई कितने में चेंज होगा क्या होगा, फालतू में नुकसान हो गया इतने बड़े उसका, महंगा और लगेगा ये। क्या हो गया, पता चल रहा खासा स्मेल, ये क्या है ये, सॉर्टेबल उस दिन के, अरे बार अरे पीछे फेंक दे, बहुत एक मिनट रुको आप एक मिनट आओ है, अरे अरे मत करो, अरे छी 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 करो पागल, फेंक दे पीछे फेंक दे चुपचाप से, देखो मैं रिकॉर्ड कर लिया, अब बता दो किसी ने फेंका इधर, और कुछ रखा था क्या पीछे, छोटे वेजिटेबल कहा रखी थी, हमें तो कभी दिखी नहीं है, याद है अपन वहाँ गए थे, आप मैं ऐसी थी, अपन वहाँ गए थे चूल्हे, अच्छा ठीक है चल सामान ले ले अपना, चलो यार गए चलते हैं ऊपर, सबको बताता हूँ, तेरे कपड़ों में सारी चुप रहो अब, रहने दो अब तो पता भी चल गया, तब तो मान भी गई थी, तब तो मान भी गई थी ना, लेकिन तू चूहे मर जाते हैं साले, हमारे हमारे फ्लैट का चूहा मर गया जब से तू आई है, वो चूहे को ढूंढने के चक्कर में हमारे को 3 दिन लग गए, ये नहीं आती, ये तो मैं आ रहा था ना रास्ते में कॉल कर दी भैया मुझे लेने आ जा, भैया का फोन आया प्लीज आ जा, तो मैंने अरे इसको लेने उल्टा वहाँ जाऊँ, ये क्या भाई है तू, कुछ नहीं झोला जाले जो एक्टिंग है, ये एक्टिंग का सामान है, ये मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मेरे शूट चल रहा है, ये कर रही हूँ, तो क्या करने गई थी, नहीं करने गई थी प्रोजेक्ट, सच में आया था क्या उसका फोन, हाँ मेरे पास आया था, सब घर वाले ढूंढ रहे हैं इसके घर पे, पता के गई हूँ मैं तो, और घर वाले ढूंढ रहे हैं, गई ठीक है ना, तो अभी आपको सर दबा रहे नहीं, हाँ सर दबा में रहेगा, सर दर्द पैर आम गए, मैं तो कॉल नहीं कर रहा, इतना दिमाग सर दर्द हो गया, एक तो पहले धूप, ऊपर से हो गया नुकसान, किस चीज का, शीशा मस्टैंग का, कैसे बड़ा वाला चटक गया, आगे का, आगे का अपने आप, अपने आप ही, कौन सा वाला, आगे का कौन सा वाला, मेन जो आगे का, कब आप मस्टैंग ले गए थे क्या, धूप से चटक गया, लेकिन ऐसे चटकता नहीं है ना गाड़ी, पूरा चटक गया कि थोड़ा सा चटक गया, बीच नीचे से लेकर दरार आ गई, दरार, यार किसी ने पत्थर वत्थर तो नहीं मार दिया, मैं इसको यार पत्थर वत्थर मारेगा तो कहीं निशान तो होगा, कुछ तो होगा, अब क्या होगा, अब मेरी कमर चटक गई, अब सुन मेरी बात, कमर चटकी, अब तू है ना मस्टैंग को लेके कहीं नहीं जाएगा, पैदल जा रहा हूँ मैं तो कल से, तू पैदल निकल, चल देखो पैदल जा, छोड़ दे एक मिनट रुक, अभी बात सुन, अभी सरदर से एक मिनट रुक, आज तो हम कहीं नहीं गए, तो तुझे मस्टैंग लेके अगर जाने की जरूरत है तो किया ले जाने को लगा, तो किया लेके गया, बता बता जवाब दे जवाब, गाड़ी कभी जरूरत पड़ जाती इसलिए मैं वो ले गया, हमको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, आज मैंने तो बोला था घर में काम, मुझे क्या पता, मुझे ध्यान नहीं था, रुक जा पहले एक बार इसको पैदल छोड़े हूँ घर, चलो चलो मेरा पैसा मान चलो पहले, बेवकूफ बता, एक तो सर दर्द हो रहा है, मेरा सामान और उठवा के लाई है, आपने देखा मैं उठाई, हमें क्या पता तूने भाग ले लिया, बैग रखा है, आप एक तो ज्यादा साइड मत लो, सुन तू तो चुप हो जा, भाई साहब ये इतना बड़ा पाटा पूरे दिन खाएगा चरेगा सब करेगा, इससे ना गाड़ी के अंदर बैग रखा जाए, रख दे तो उससे निकाला ना जाए, कौन से आपको पता है उस दिन के सॉर्ट वेट में अपन गए थे ना पुणे चूल के सॉर्ट वेट में, अभी तक रखे थे, किस स्मेल आ रही थी गाड़ी में, इसका स्मेल क्यों आ रही है, मैंने तो नाम इस पे लगा दिया था, सॉर्ट वेट हां उस दिन चूल में पैक कराए थे अपन ने, तू गाड़ी चलाता है कि अंधों की तरह चलाता है कि तेरा दिमाग कहां है, क्योंकि उस गाड़ी में बैठने के बाद सब भूल जाता हूं, सब भूल ही जा, तो गाइस आज मैं आटा गूंद रही हूँ बहुत ही ज्यादा सालों के बाद, मेरे को ना आटा मतलब रोटी या कुछ भी वो बनानी हो मतलब मैं बनाती नहीं थी मेरे घर पे, तो मैं जो छुट्टियों में नानी के जाती थी ना नानी मुझसे इतनी रोटियां वोटियां सब बना, मतलब अगर मेरे को रोटी या कुछ बनाना आया मैंने कभी सेकी ना तो मैंने मेरी नानी के घर पे सेकी है, उन्होंने मेरे को आटा गूंदना सिखाया है, उन्होंने मेरे को रोटी बनाना सिखाया था, फिर मैं घर पे आके बनाने लगी, मेरी मम्मी बड़ी सरप्राइज हो गई ये क्या करके आई है, ऐसे मैं अवनी की सब करती पर ना हमारे घर पे मैंने चाय भी बनाई है रोटी बनाई है, सब्जी तो नहीं बनाई, सब्जी तो मैंने पहली बार बनाई थी नो ऑयल वाली, दोस्तों इमरजेंसी के लिए वो बहुत ज्यादा तो नहीं है बहुत पक्का, दोस्तों देखो क्या होता है ना कि आपको रोटी बनानी तो आनी चाहिए, इमरजेंसी कभी पड़ गई तो ब्रेड ना लेना,
और ब्रेड नहीं मिली तो आती है भाई, आती है मेरे को, आती है मतलब आता है आटा गूंदना, और रोटी भी एकदम गोल बनानी आती है, लेकिन आज तो मैं एक ट्रिक से बनाऊंगी रोटी, इंटरनेट पे चल रहा है ना। ये इसकी टेढ़ी मेढ़ी बनी है देखो। तो दोस्तों हमने अभी मतलब पूड़ी बनाई, वही प्रेस करके इसको भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो दिव्यांशी की थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सही बन गई, मेरे देखो बिल्कुल गोल बनी है। हां दिव्यांशी देख, और एकदम इवन है, एकदम इवन, अगर आप इसको तलोगे ना सिर्फ प्यारी फूलेगी, मजा आ जाएगा। हमारी अच्छी पुड़िया बन गई तेरी, नहीं बनती तो तू गई से बोली अच्छी पुड़िया, और पता मुझे किसने दी चिपुड़िया तो तू है। उन्होंने कहां से तेल लगाया था, चल तो लगता है लगा दो। रेडी है क्या सब? हां रेडी है, रेडी है, रेडी है। मेरे तेरे से जोर नहीं लग रहा। हां हां बढ़िया गाइस, सब रेडी रेडी। वाह यार बन गई यार। दोस्तों बहुत सही चीज है, मतलब अगर आपके घर में क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन वगैरह हो, जल्दी जल्दी करना हो काम, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है यार। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, दोनों पागल हो चुकी हैं यार, सच में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। चल रही है, सूरज तो सो गया बेचारा, आज धूप में आया था, और अपनी मस्टैंग की जो उसका जो कांच टूट गया ना उसके चक्कर में वो बहुत परेशान हो गया, तो सो गया। मैंने कहा तू सो जा यार, भानु बारिश आने के आसार है। देख ऊपर, देख ऊपर, देख काला बादल है। चील उड़ रही, चील कबूतर है। हितेश भी आ चुके हैं, और आज मैं मान गई कि सूरज और दिव्यांशी दोनों पक्के बहन भाई हैं। पिछले एक सूरज तो 1.5 घंटे सो रहा है, दिव्यांशी 1 घंटे से अंदर सो रही, वो सामने वाले रूम में, वो सो रही साइड वाले रूम में। परेशान मत करो यार, कोई बहन के टक्के न तेरी आंख में। देख ले कैसे सो रहा है, साइड में कंबल, देख ना कैसे उठ रहा है यार। ये स्टाइल इसकी ना, स्टाइल तो बहुत अच्छी है सोने की। वो दिव्यांशी भी सो रही है पिछले 1 घंटे से, 15 मिनट और सोऊंगा बस। अरे भाई सुन भाई, तेरे को पता है लालच है यही तो इंसान को मारता है, 15 मिनट 10 मिनट सो लेंदे, 2 मिनट सो लेंदे, वो क्या जाएगा, तो 1-1.5 घंटा सो लिया उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो जब 1.5 घंटे में नींद पूरी नहीं, तो हाउ इज पॉसिबल कि 15 मिनट में नींद पूरी हो जाएगी। पॉडकास्ट देखने लगे तेरी ये हरकतें तेरे को मारती है। ये तो पता है मुझे भाई, दीदी की वो अभी स्ट्रेचिंग करा के आया, वैसे ही पूरा पॉन्च भाई, मेरा हैमस्ट्रिंग खींच के बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो कहां स्ट्रेचिंग करा के, जिम गए थे स्ट्रेचिंग करने के लिए स्पेशली। पता क्या बोलते हैं, मैंने कहा हितेश मेरे पे हैमस्ट्रिंग खींच गई, दीदी स्टिचिंग कर लो, मैंने कहा इनकी ज्यादा स्टिचिंग दिमाग में घुस गई, स्ट्रेचिंग को भी स्टिचिंग। तूने क्या कपड़े पहन लगे, तेरी मम्मी लाई थी कि ये मम्मी लाई थी क्या? हां भाई मम्मी लाई, मम्मी लाई थी। तभी वो 500 रुपए दिला दे इससे मेरे, कल तो भूल गया था भाई, उनके तो कपड़े वापस दे दी कल अंकल को सारी। चार बजे ऑफिस में, उसके बाद आंधी आई भयंकर, भयंकर आंधी आई, बहुत भयंकर, वो बैसी ना पूरे ना सिस्टम मिल गया उधर का। फिर उसके बाद है ना मैं थोड़ी देर रुक बैठा, फिर आ गई बारिश भयंकर, डक 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 डक, फिर मैं उधर बैठा रहा, फिर बारिश कम हुई। मेरा कांस्टेंट एक चीज देखो, आराम से बैठा था, क्या बैठे थे बस भाई, बैठने का काम है अपन तो यार, ऑनर एज अ ऑनर है, ऑनर एज अ सी है ना, ये तो हट गया इनका, हां ये हितेश सी है, हितेश इसका कुछ स्टाइल मेरे जैसा कैसे सोने का भी बाहर कैसे सो रहा है, तो पाटा जिंदगी शेर नहीं पड़ा था क्या वैसे बढ़िया ही बेटा और नींद आ रही है उसको, सुन दो यार, सुन दो सुन दो, रात भर बढ़िया जगेगी 4 बजे तक। क्या कर रहा है भाई किचन के अंदर, है नहीं वो, है नहीं वो, वो का है पता चल नहीं, किसने मंगाए, अरे हमें वीडियो बनानी है। नाम लगा दूंगा मस्टैंग की गाड़ी का, आज गए हो मस्टैंग के तो हाथ ही नहीं लगाते यार वो यार। नहीं नहीं बोल दूंगा, तू नीचे गया था मस्टैंग के, तूने मारा पत्थर।
तेरे को गाड़ी नहीं दे रहा था इसलिए तुमने तोड़ दिया कांच। भाई कभी सूखली लगती तो महा सूखली लगती है, कसम से बता रहा हूँ। मर्द तू कैसे सो गई, तेरे को कैसे नींद आ गई ना? यहाँ सोने आई थी कि तू टाइम है उसका सोने का, घर पे सोने नहीं देती मम्मी। देखो तू क्या बोल रहा है, अरे तेरे खुद की भी नींद ऐसी आंखें ऐसी हो रही नींद वाली। सो एसी वगैरह सब चालू, चल बंद कर गया उसको, चल सीख क्या बंद कर गया। हाँ सीख ले, इधर इधर इधर। तेरा इंतजार था, क्या करा तुमने मस्टैंग के साथ? कौन सी मस्टैंग भाई, मैं तो आज ही नेटा देख ही नहीं खाए। उसके पत्थर मारा मेरे को पता है भाई, मस्टैंग के पत्थर मार दिए भाई। मैं पागल भी हो गया ना तो तेरे पत्थर मार सकता, पर उस मस्टैंग के नहीं मारेगा। तूने ना उसके नजर लगा के उसका शीशा तोड़ दिया, शीशा कौन सा जो टूटा आगे वाला जो और कैसे क्रैक हो गया बहुत बड़ा भाई। ये जिसकी भी नजर लगी है ना उसकी नजर नहीं थी, पता ही नहीं क्या ही थी। कैसे टूटा वो भाई? खड़े खड़े घर पे लेकर गया था, खड़े खड़े कट कट। तू चलानी तो आती है नहीं, पत्थर लग गया होगा, तेज चला रहा होगा। चेक करें, जा चेक करें। पर पत्थर लगेगा तो दिखेगा ना यार, ये तो बोल रहा है गर्मी से हो गया। गर्मी से? अरे भाई मैंने गाड़ी खड़ी करी है, गाड़ी से उतरा हूँ, मुझे दिखता नहीं क्या इतना बड़ा स्क्रैच। एक मिनट तू गाड़ी चला रहा था तभी हो गया था? नहीं, गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया हूँ, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही है, वापस आके बैठा हूँ तो देखा है मैंने वो लाइन बनी हुई। नीचे से चटका पूरा, नीचे पूरा जहाँ से स्टार्ट होता है ना कांच, वहां से चटक के बीच तक आया पूरा प्रॉपर। भाई नजर इज रियल, तेरे को पता है ना भाई, इतनी बुरी नजर जो शीशा तोड़ दे भाई साहब। चल मेरे साथ। धूप में खड़ी खड़ी टूटा है वो, धूप में खड़ा कर, कहीं पर ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ बेड़ा हो या ऐसा कुछ भी, उसमें निशान नहीं, एकदम प्रॉपर न्यू लाइन है। कल शाम को ही तारीफ कर रही थे किसकी, शाम को ही देखी थी मैंने, बहुत दिन बाद नजर भी इतनी सी होगी यार, लगेगी तो टायर में आके इधर उधर चल जाती होगी नजर से, तेरी पंचर भी ना हो तेरी नजर से। तो दोस्तों भाई इसको पूजा करने लगे, गोलगप्पे आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे गोलगप्पे। दीदी आज तो खाएगी नहीं, मना कर दी, मेरे पेट में दर्द है। झूठ कैसे बोलती हो आप, सपोर्टिव नहीं हो बिल्कुल भी। अरे स्टोरी के लिए इतना मिर्ची मिलाई थी, उसको अच्छा लग गया, इसी से खा रही है। देख इसकी इसकी शक्ल देख, शक्ल देख इसकी भाई, पिछवाड़ो में आग लग गई। तो एक वो खा भाई, जनरली बहुत टेस्टी। पूरा में मिला दिया तुमने? हां पूरा में मिला दिया। आ लाइक पापड़ी तो खिला दे यार, बनाती हूँ। डाइट थी ना तेरी यार, तो मैं कौन सी खाई रही हूँ? मैंने सिर्फ चार खाई है पापड़ी, पानी वानी नहीं पिया। वो तो क्या थोड़ा थोड़ा आलू लगा के, ये नहीं खाया मैंने। राधे राधे गाइस, टाइट है? राधे राधे बेटा, तो दे दे वापस। अरे टाइट है निकर, ये तो निकर भी टाइट है, और हमारा जो पंख वो ना एग्जॉस्ट वो छोटा लेकर आ गए आप, वो भी टाइट। 12 इंच का वो है, 12 इंच का वो है, छोटा कैसे आ गया? मेजरमेंट तो वही है। नहीं नहीं वो तो इलेक्ट्रिशियन ज्यादा जानते हैं। या तो ये क्या है मैं बताऊं, कि हर कंपनी की अलग वो आती है फिटिंग, वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो बड़ा वाला ला दे, देखना पड़ेगा ना। देख लो देख लो, अच्छे से देख लो, ये देखो खुद का फिर प्रोजेक्ट कराने आ गई है यहाँ पर। अरे ले 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 ले, फोटो ले, एक फोटो ले, तू कर अब क्लिक कर। अब मुझे कहाँ से क्लिक करते हैं? नहीं हाँ ले, चल 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 चल, लाइट तो करने दे। हम मैच देखिए ना, कल लाइट लाइट, ओह माय गॉड लाइट, लाइट नहीं आ रही भाई, लो लाइट नहीं आ रही। ठीक है दिव्या जी, फूक भी नहीं मारी और खींच दी थी मेरे को लगा। अरे 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 तो मेरे, अरे बेटा मत कर एक्टिंग, मत कर, तेरे से एक्टिंग भी नहीं हो पा रही ठीक से। दोस्तों आज हमने इसको दिव्यांशु कर दिया आंटी का। बाय दिव्यांशी, बाय। ये अड़ोसन पड़ोसन होने वाले हैं जल्दी, अड़ोसन पड़ोसन होने वाले हैं जल्दी। हां ये एक साथ ही रहते हैं ऑलमोस्ट, आसपास गली छोड़ के दो। अब सुनी को दीनी, अब सैंटी बेस्ट। मम्मी बोली कभी इमरजेंसी पड़ी तो बुला लूंगी, मैंने कहा इसको हम लेके आते हैं। इसके काम के लिए भी हमें लाना पड़ता है। ये तो नहीं, मेरे पास आ जाएगी दिव्यांश फोन करने से, फोन उठाना बंद कर देगी दो दिन बाद, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी। मैंने कॉल करा था तुरंत दीदी, खुद को इतना बिजी दिखाती है कि ओहो मेरा 10 बजे D&D चला जाता है, मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। फलान डिमका, अरे का पकड़ लिया क्या? अरे चिपक तो नहीं गया अपनी, फिर पंखा तो नहीं पड़ा बाहर, यही पड़ा है। क्या करने थे? अच्छा सिड्डी पंखा निकाल के माँ हमारे सर पे रख दी। अब वो उसने उसमें से जगह में से पक्का कबूतर घुसेंगे, देखना। ओ डैडी यार, आपने पंखा निकाल दिया, कबूतर घुसेंगे सुबह तो। कोई बैठा हो कबूतर आ जा, सिस्टम पानी ले पूरा, 2 इंच बड़ा लेके आना यार। मेजरमेंट के लिए देखा था मैंने, देखो उसमें 250 mm लिख रखा हो कहीं पे, 200 देखो ये रहा, देखो 200 mm
ये 200 mm है, 250 mm लाना है, ये 200 mm है क्या? समझते नहीं है खुद की खुद की बात, 1200 mm। अरे यार हम हिंदी पढ़े हुए, इंग्लिश नहीं पढ़े हुए, हिंदी और इंग्लिश में भी 200-1200 में फर्क तो होता है। कपड़े तो कल ही आएंगे उसमें, क्या होगा कपड़े तो कभी भी छोड़ेंगे, क्यों टेंशन लेती तू? अरे अंकल के पीछे बैठ के देख, आज मजा आएगा। 10 बजे की मूवी है, 3 मिनट बाकी है, सिर्फ इसकी वजह से रुके हुए कि ये गेवर खा ले। अबे मेरा पूरा गेवर खा गया, मैंने चखा तक नहीं। एक पड़ा है, मैं पूरा खाया क्या हमने? एक पड़ा है, उसमें हो ही नहीं सकता, बोलो मैं अभी खा दूँ। एक है पूरा, एक है, खा लो, खाओ ना बे। जब जब बोलोगी जब पूरा खा लोगे। अरे भाई चल ले भाई, खाते खाते चल, गाड़ी में बात ही होगा खाने का, गाड़ी में खा ली, चल 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 चलो, ऐसे ले चल, हाँ ले चल ले चल ऐसे ले चल। पूरे 3 घंटे खाएंगे बैठ के, आज सब लुके तो ये मेरा गेवर है, मेरा मन हो गया इसको खाने का। तो भाई आप ये छोड़ना कि मेरी प्लेट वाला गेवर आपके यहाँ पे तो डब्बे में है ना, वो थूक दूंगे ये ना। प्रशांत की टिकट बुक करना भूल गया, और प्रशांत घर से निकल गया और हम खुद भी लेट है। बोल बोल कुछ करो करो भाई, 15 मिनट की मूवी निकल गई अपनी, अब क्या करें? वैसे तो 15 मिनट की, 15 मिनट की मूवी तो निकल ही गई। और वन टाइम वॉच मूवी है, मतलब एक बार के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हो देखने में, इतनी कोई खास भी नहीं है और इतनी कोई बेकार भी नहीं है। एक्शन वगैरह में मजा आएगा, स्लो मोशन वगैरह फाइनली पहली बार अच्छे आए हैं थोड़े से, तो एंजॉय कर लोगे लेकिन एक बार। बाकी लोगों का मुझे तो बस वही जानना है कि चिप इंसान में तो मतलब रोबोट में तो डल गई, इंसान में कैसे डल गई? नहीं मैं तो जानता हूं भाई, ये रात हो गई ना, मैं खराब हो चुकी है, मैं चिप डालनी पड़ेगी। और ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू वाचिंग, बाय बाय।